नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से 3D स्टार क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल चले जाना है शेप टूल पर और यहां से आपको लेना है 3D स्टार। 3D स्टार लेने के बाद आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। आपको देखना है कि यहाँ पर जो आपके 3D के रेट्स हो गए हैं, आपको देखना है आपके जो 3D के रेट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको 5 लेना है और 5 लेने के बाद आपको इस तरीके से स्टार को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और यहाँ से आपको आना है पेन टूल पर। यहाँ पर आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट पर आपको क्लिक करना है। इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेटली लाइन को ले आइए और यहाँ से इस नोड के ऊपर आपको आना है और डबल क्लिक कर देना है। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से यहाँ इस वाले नोड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आकर के इस नोड पर आपको डबल क्लिक कर देना है और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको नोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आकर के इस नोड पर डबल क्लिक कर देना है और इसी तरीके से यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ पर भी आपको इस नोड पर डबल क्लिक कर देना है। तो इस तरीके इसकी शेप कुछ आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी और अब हमें इसके अंदर कलर फिल करना है। तो कलर हमें कुछ इस तरीके से फिल करना है ताकि इसका जो एरिया हो वो आपको 3D की तरीके से दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है सबसे नीचे और सबसे नीचे जाने के बाद स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करना है। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद यहाँ पर आपको इस एंगल पर क्लिक कर देना है। इस एंगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ, क्लिक किया मैंने, यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया ये कलर। ये कलर लेने के बाद इसके जस्ट नीचे ग्रे कलर जो है हमारा वो थोड़ा सा डार्क कलर मिलेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे थोड़ा सा डार्क में कन्वर्ट कर देंगे या आप लाइट भी ले सकते हैं, जैसे हमने ये लाइट कलर ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपको लाइट कलर लेना है और इस जगह पर आपको डार्क कलर लेना है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि हमने एक लाइन यहाँ पर क्रिएट नहीं की है, तो फिलहाल हमें वो लाइन क्रिएट कर लेनी होगी। हम वापस से पेन टूल लेते हैं, यहाँ पर इस नोड पर क्लिक करते हैं और इस वाले नोड पर आकर के यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद अब आपको वापस से स्मार्ट फिल टूल लेना है यहाँ से और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लाइट कलर ले लेना है इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करके आपको डार्क कलर लेना है और यहाँ से आपको लाइट कलर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको लाइट कलर और यहाँ पर आपको डार्क कलर, उसके बाद यहाँ से आपको डार्क कलर और यहाँ पर आपको लाइट कलर। तो इस तरीके से आपकी जो शेप होगी वो 3D पे कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको लाइट कलर पर आना है, राइट क्लिक करना है और सेट आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। होगा क्या, आपकी जो शेप होगी उस शेप की जितनी भी आउटलाइंस होगी उनका कलर लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो शेप होगी वो कुछ 3D की तरीके से नज़र आएगी। तो इस तरीके से आपको 3D शेप बना लेनी है। तो ये था 3D बनाने का तरीका। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।